आवाम को मुश्किलात का और ज़हनी परेशानी का सामना होता है अगर पेट्रोल पंप्स जो है वो बंद हो जाएं। और एक ज़हनी परेशानी होती है जब आप कहीं पर शॉपिंग करने के लिए जाएं और पार्किंग ना मिले। आप ये सबसे बड़ा मसला है। अब इस पे बात करते हैं कि गैर कानूनी पार्किंग ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ आलूदगी का बायस भी बनती है। लाहौर हाईकोर्ट ने शहर में तमाम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया है, जबकि साथ ही पार्किंग न रखने वाले रेस्टोरेंट्स भी सील करने का हुक्म सादर किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों का एक बहुत बड़ा मसला है। जो शॉपिंग मॉल्स हैं या शादी हॉल्स हैं या दीगर मार्केट्स हैं, वहाँ पर पार्किंग स्टैंड्स ना होने की वजह से लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अदालत ने इस पर क्या अहकाम जारी किए हैं, इस बारे में पहले एक रिपोर्ट देखें। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्मॉग के तदारुक के हवाले से रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई गयी। अदालत ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी पार्किंग ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी का सबब बनती है, जिससे आलूदगी बढ़ती है। जस्टिस शाहिद करीम ने LDA को मेन सड़कों की सर्विस लेन पर पार्किंग खत्म करने के लिए रूल्स बनाने और PHA को पुराने दरख्तों को महफूज बनाने के लिए इकदामात की हिदायत भी की। दौरान समाअत मेंबर वाटर कमीशन ने अदालत को बताया कि फूड सिक्योरिटी के मामले पर सरकारी हुक्काम गैर संजीदा हैं। किसानों को बिजली, खाद, बीज और दीगर अशिया बहुत महंगी मिल रही है। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी है। तो अदालत ने इस पर नोटिस लिया है और हुक्म सादर कर दिया है कि जितनी भी गैर कानूनी पार्किंग है उन्हें फौरी तौर पर खत्म किया जाए। तो जिशान बताइएगा कि आवाम को इससे क्या फायदा होगा? मतलब हम अगर हम पाकिस्तानी आवाम की बात करें तो उनकी तो कोशिश होती है कि पार्किंग के लिए जगह मिल जाए, और मेरा नहीं ख्याल कोई पूछता होगा कि ये कानूनी जगह है, गैर कानूनी पार्किंग है, इस पर सवाल नहीं होता होगा। बहैसियत मजमुई तो यकीनन इस हवाले से इकदामात करने की जरूरत है, लेकिन इनफरादी सतह पर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि इस हवाले से जो है वो ख्याल रखा जाए। लोगों को डेफिनेटली मुश्किलात का सामना होता है जब किसी शॉपिंग मॉल अब जाते हैं या शादी हॉल जाते हैं या आम मार्केट्स के बाहर सर्विस रोड पर जब पार्किंग स्टैंड लगा दिए जाते हैं, तो यकीनन ट्रैफिक का जो फ्लो है वो मुतासर होता है, तो इससे मुश्किलात होती हैं। बहरहाल इस बारे में बात भी करते हैं, वकास सवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वकास, पहले तो ये बताइएगा इस जो हिदायत दी गई हैं हाईकोर्ट की जानिब से, क्या मंदरजात हैं इसके? लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर आज समाअत की। तो दौरान समाअत जो अदालत ने वाटर कमीशन इस हवाले से बनाया है, उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई और कहा कि शहर में ट्रैफिक के निजाम के बायस और गैर कानूनी पार्किंग के बायस जो है वो आलूदगी बढ़ रही है, जिस पर अदालत ने LDA को फौरी तौर पर ये हुक्म जारी किया है कि शहर में तमाम गैर कानूनी जो पार्किंग है उसे फौरी तौर पर खत्म करवाया जाए। और साथ ही साथ अदालत ने LDA को ये भी हिदायत की है कि वो अपने रूल्स में जो है वो तरमीम करे, ताकि जो सर्विस लाइन पर जो पार्किंग करते हैं उस हवाले से भी जो है वो अपने रूल्स बनाने की हिदायत की है। जबकि अदालत ने PHA को ये कहा है कि वो जो दरख्तों जो पुराने दरख्त हैं उनकी कटाई को जो है वो रोकने का जो अमल है उसको रोकने का फौरी तौर पर हुक्म दिया है, जबकि किसानों के हवाले से भी अदालत ने वाजह तौर पर अहकाम जारी किए हैं।